हॉर्मोन्स, इसके बारे में इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं। आज सडनली वेट गेन होना या वेट लॉस ना कर पाना, हेयर फॉल, एक्ने, स्किन के इश्यूज, थकान रहना, मूड स्विंग रहना या पीरियड के रिलेटेड इश्यूज होना, फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज, डायबिटीज या थायराइड, PCOD, ये इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हम आज देख रहे हैं कॉमनली कि जिसकी रूट कॉज जो है, जिसका रूट कॉज दैट इज हार्मोनल इम्बैलेंस, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आई एम गोइंग टू शेयर एग्जैक्टली हार्मोनल इम्बैलेंस कैसे क्रिएट होता है, उसे कैसे बैलेंस करना नेचुरली, कैसे आप लाइफस्टाइल में चेंजेस करके डाइट में चेंजेस कर सकते हैं, और साथ में वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, बहुत ईजी भाषा में समझने वाले हैं, सो दैट यू नो कैसे आप अपने हॉर्मोन्स को हमेशा के लिए बैलेंस्ड रख सकते हैं। इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल कि कोई भी हार्मोनल इंबैलेंस को आप रिवर्स कर सके नेचुरली। तो इस पॉडकास्ट में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, और ये है पॉडकास्ट नंबर 5। याद करवा दूं मैं आपको कि ये सेम पॉडकास्ट स्पॉटिफाई के ऊपर भी है, आप सर्च कर सकते हैं होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, और वहाँ पर इस पॉडकास्ट को फ्री में ऑडियो के माध्यम से आप सुन सकते हैं, इवन वीडियो के माध्यम से भी स्पॉटिफाई में। इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिट भारत मिशन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब के ऊपर तो ज़रूर कर दीजिएगा, सो दैट ऐसे पॉडकास्ट हर हफ्ते जो रिलीज़ हो रहे हैं उसे आप मिस ना करें। एंडोक्राइन सिस्टम जो इस सारे हॉर्मोन्स को संभालती है, वो है क्या, वो कौन से सिस्टम है? एंडोक्राइन सिस्टम वो एक कलेक्शन है ग्लैंड्स का, एक पूरी सिस्टम की, जिसमें अलग अलग तरह की ग्लैंड होती है जो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो आपके बॉडी को बताते हैं क्या फीलिंग हो रहा है। वो सिग्नलिंग करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द डे, और जो आपके ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, आपके मूड को, एनर्जी, आपके एपेटाइट को, स्लीप को, और इवन रिप्रोडक्शन को, ये सारी चीज़ों को वो कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि एंडोक्राइन सिस्टम आपकी बैलेंस्ड रहे। अब मैंने ग्लैंड के बारे में बात की, तो आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें बहुत सारी अलग अलग किस्म की ग्लैंड है। शायद आपने सुना होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, या आपने टेस्टीज, ओवरीज के बारे में सुना होगा कभी, या एड्रिनल ग्लैंड होती है, थाइमस ग्लैंड, या इवन थायराइड के बारे में आई एम श्योर सुना होगा, पैराथायराइड ग्लैंड हो सकती है, हाइपोथैलेमस, ये अलग अलग चीज़ें जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम में आता है। बट आई नो, यू नो, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अ लॉट अबाउट थियोरी, में बहुत प्रैक्टिकल भी बात करने वाली हूँ, बट ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, मैं चाहती हूँ कि पहले हम समझ लें। अब देखिए, हॉर्मोन्स वो एग्जैक्टली होता क्या है? हॉर्मोन्स आर नथिंग बट दे आर केमिकल मैसेंजर्स इन द बॉडी। वो आपके ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है, जिससे फटाफट से वो आपके टिश्यू सेल तक पहुंचता है और उसे बताता है कि क्या करना, क्या फील करना। जैसे कि आपको नींद आती है, कैसे? तो एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है मेलाटोनिन, पता चलता है कि अब नींद आ रही है, आपको भूख लगी है, ग्रेलिन हंगर हार्मोन रिलीज हुआ, आप सेटिस्फाइड फील हो चुके हैं आफ्टर ईटिंग, लेप्टिन रिलीज हुआ, सटाइटी हार्मोन। तो ये अलग अलग किस्म के, इंसुलिन हो सकता है, यू नो, ग्लूकागॉन हो सकता है, इतनी सारे अलग अलग हार्मोन्स है, TSH हो सकता है, T4, T3, इतने सारे हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन, कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, वो सब कुछ रिलीज करता है अलग अलग किस्म की ग्लैंड जो एंडोक्राइन सिस्टम में है। और ये जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं उससे आपको पता चलेगा आप खुश है, दुखी है, नींद आ रही है, नहीं आ रही है, भूख लग रही है, नहीं लग रही है, आपकी नींद की क्वालिटी कैसी है, या आपको ओवरऑल एनर्जी कैसी रहती है, और पूरे दिन के दौरान आपका दिन कैसा जाता है बेसिकली। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके दिन का। अब 50 से भी ज़्यादा हॉर्मोन्स आपके बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, और ये एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करते हैं। मतलब कि आपने अगर कोई भी म्यूजिकल बैंड को सुना है, तो वहाँ पर गिटारिस्ट होते हैं, तबला प्लेयर होते हैं, बहुत अलग अलग किस्म के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि वहाँ पर अगर 6-7 इंस्ट्रूमेंट्स प्ले हो रहे हैं, उसमें से जब सभी इंस्ट्रूमेंट सही से प्ले हो रहे हैं, सही ट्यून में, सही वॉल्यूम में, सही तरह से प्ले हो रहे हैं, तब जाके एक ब्यूटिफुल म्यूजिक प्रोड्यूस होता है। बट इमेजिन जब वो एकाध भी म्यूज़िक थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हो जाता है, थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम बजना शुरू हो जाता है, तो क्या होगा,
वो पूरा म्यूजिकल जो सिम्फनी है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा, म्यूजिक जो है वो खराब हो जाएगा। आप सिर्फ एक गिटार को पकड़ लीजिए, गिटार जो सुर में बजना चाहिए उसके बदले टिंग 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 अटक जाता है, इमेजिन कीजिए, और वो जो प्रोड्यूस करना चाहिए आवाज़ वो नहीं कर पाता है, तो क्या होता है, उसका इफेक्ट जो है वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी पड़ेगा, दूसरे म्यूजिक के ऊपर भी पड़ेगा, और ओवरऑल जो सिम्फनी है, जो ओवरऑल म्यूजिक है, जो प्ले हो रहा है, जो गाना बज रहा है, वो पूरा गाना बिगड़ जाएगा। एग्जैक्टली वही होता है जब हमारे बॉडी में भी जो अलग अलग किस्म के हार्मोन ऑर्केस्ट्रा की तरह काम कर रहे थे उसमें कोई भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि कोई भी एक हार्मोन गड़बड़ हो जाता है तो वो बाकी सारे हार्मोन को भी अफेक्ट करेगा और ओवरऑल एंडोक्राइन सिस्टम को भी अफेक्ट करेगा, जो गाना प्रोड्यूस होना चाहिए वो नहीं होगा, म्यूजिक खराब हो जाएगा। दैट इज़ वाई हार्मोनल इम्बैलेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम जब प्रोड्यूस होता है तो उसे कहा जाता है हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होना, और वो भी कभी कभी होता है इज़ ओके, बट अगर बार 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 होना शुरू करे तो वो आपके बॉडी में एक परमानेंट लेवल का डैमेज क्रिएट करता है या लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो ना करे उसके लिए क्या करना, और अगर हो चुका है ऐसा डैमेज तो उसे रिवर्स कैसे करना नेचुरली, ये सारी चीज़ें हम अभी देखने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस अभी है या नहीं है, तो आपका बॉडी आपके साथ कम्युनिकेट करते रहता है कॉन्स्टेंटली, आपको बताते रहता है बॉडी में क्या चल रहा है, वो आपको इवन कुछ सिम्टम के माध्यम से ये भी बता रहा है कि आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस अभी है या नहीं है। सबसे पहले तो अगर आपको खाने के बाद सेटिस्फेक्शन फील नहीं होता है या ज़रूरत से ज़्यादा भूख लगती है, आपका वज़न कम नहीं हो रहा है या सडन वेट गेन हो चुका है उसकी कोई वजह नहीं मिल रही है, या आप पूरे दिन थकान महसूस करते हैं, आपको रात को सोने में थोड़ा चैलेंज होता है, हॉट फ्लैशेस वाला फीलिंग आता है, ड्राई स्किन एक्सेसिव हो चुकी है, पीरियड टाइम पर नहीं आते हैं या एक्सेसिव पीरियड है या एक्सेसिव पीएमएस सिम्टम्स है, बहुत ज़्यादा क्रैम्प और पेन रहता है, या अलग अलग किस्म के पीरियड रिलेटेड इश्यूज़ है, प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यू, फर्टिलिटी के इश्यूज़, इनफर्टिलिटी है, या इवन आपको अगर पीसीओएस है, थायराइड है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी जिसे हम कहते हैं वो है, इसमें से कुछ भी है, इनसोमनिया है, राइट? तो इसका मतलब है देर आर चांसेस कि हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। अब कैसे उसे आप बैलेंस में ला सके उसकी बात करते हैं। मैं यहाँ पर आपको 8 तरीके बताने वाली हूँ, यस 8 पावरफुल वेज जिससे आप अपने हार्मोन को बैलेंस कर सकते हैं। आर यू रेडी फॉर इट? हम ये 8 तरीके सीखे उससे पहले अब तक जो हमने डिस्कस किया उसको एक बहुत आसान भाषा में लेट मी समराइज सो दैट आपको वो याद रहे। आपने पोस्टल सर्विस देखा होगा, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम एक पोस्टल सर्विस की तरह है, उसमें जो पोस्ट ऑफिसेज होती है अलग अलग किस्म की, वो है आपकी ग्लैंड जहाँ पर कुछ मैसेजेस पड़े हुए हैं, पोस्ट पड़ी हुई है कि जो कुछ स्पेसिफिक घर तक पहुँचना चाहिए जहाँ पर उसका एड्रेस लिखा हुआ है। अब ये जो पोस्ट ऑफिस है वो ग्लैंड है, अलग अलग किस्म की ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, इवन पैनक्रियास। अब वो जो ग्लैंड है यानी कि पोस्ट ऑफिस है, उसमें बहुत सारे खत है, मैसेजेस है, पोस्ट्स है, वो मैसेज इंडिविजुअल घर तक पहुंचाना है जिसमें उसका एड्रेस लिखा है, उस घर तक पहुंचाना है। अब वो पहुंचाने के लिए आपको एक इंसान चाहिए, एक मेल मैन चाहिए जो वहां पर पहुंचाएगा, तो वो मेल मैन क्या है, दैट इज़ योर हार्मोन, और वो हार्मोन जो है वो हर अलग अलग घर तक जो मैसेज पहुंचाने की ज़रूरत है वो पहुंचाता है। सो दिस इज़ हाउ द होल सिस्टम वर्क्स। अब इसे बैलेंस करने का सबसे पावरफुल पहला तरीका जो है दैट इज़ एडिंग हेल्दी फैट इन योर डाइट। यस, आप सोच रहे होंगे कि यार कैसे मैं फ़ैट को ऐड करके अपने हार्मोन को बैलेंस कर पाऊंगी या कर पाऊंगा और वज़न को भी कम कर पाऊंगा। यस, हेल्दी फैट ज़रूरी है बिकॉज आई विल गिव यू अ रीज़न। जब आपके हार्मोन की बात होती है तो हार्मोन के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल, उसके बिना हार्मोन बन ही नहीं सकते हैं, और इसीलिए जब फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल की कमी हो जाती है यानी कि आपके बॉडी में असेंशियल जो फैट चाहिए वो अगर नहीं है तो आपका बॉडी प्रॉपरली स्पेशली एंडोक्राइन सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है। इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर योर बॉडी,
हार्मोन प्रोड्यूस होने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है, सिंथेसाइज करने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है। और इसीलिए जब आप हेल्दी फैट खाते हैं तो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम कर देता है, इन्फ्लेमेशन को भी कम कर देता है, आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड वो देता है जिसकी वजह से सारा काम जो है, ओमेगा 3 इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो बहुत सारे बेनिफिट हार्मोन रिलेटेड जो इश्यूज है उसमें भी वो बेनिफिट करता है। इनडायरेक्टली वो आपको वेट लॉस करने में हेल्प करेगा। यस, हेल्दी फैट वेट लॉस में हेल्प करता है क्योंकि वो फैट लॉस में हेल्प करता है, राइट? मसल लॉस नहीं, फैट लॉस में हेल्प करेगा। और जैसे ही फैट अननेसेसरी कट डाउन होता है, आपके हार्मोन बैलेंस में आना शुरू हो जाते हैं। आज अनफॉर्चुनेटली ओमेगा 6 हमारे बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ अनहेल्दी फैट जो हम प्रोसेस्ड खाने में, आउटसाइड खाने में देख रहे हैं, रेस्टोरेंट फूड में देख रहे हैं। और ओमेगा 3 जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है वो कम हो चुका है, इसीलिए हेल्दी फैट खाने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये फैट जो है कुछ विटामिन एब्जॉर्प्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और इसीलिए 4 किस्म के फैट आपको पहले तो अवॉइड करना है अपने डाइट में से, स्पेशली इफ़ यू हैव हार्मोनल इम्बैलेंस। नंबर 1 इज़ ट्रांस फैट। ट्रांस फैट हो सकता है अलग अलग नाम से। अगर आप कोई भी पैकेज्ड फूड लेते हैं तो देखिए, जैसे कि पीनट बटर आपने सिंपली खरीदा, तो वो जो आपने पैकेट लिया उसके पीछे, बॉटल के पीछे देखिए जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स वगैरह लिखा हुआ होता है, क्या उसमें ट्रांस फैट है। कभी कभी बहुत निग्लिजिबल ट्रांस फैट जब होता है तो वो 0 लिख सकते हैं, ऐसा रूल है, बट दैट डज नॉट मीन कि उसमें 0 ट्रांस फैट है। ओके, सो क्या कीजिए, इंग्रेडिएंट लिस्ट में जाइए, इंग्रेडिएंट लिस्ट में देखिए कि क्या उसमें हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल, पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल या वेजिटेबल ऑयल ऐसी कोई चीज़ लिखी हुई है। इफ़ येस, दैट मीन्स ट्रांस फैट है उसमें। ऑल राइट, रिफाइंड ऑयल अगर लिखा हुआ है कोई भी पैकेट के पीछे, कोई भी पैकेज्ड फूड आप खरीदते हैं ना, उसके पीछे हमेशा पढ़िए इफ़ वेजिटेबल ऑयल इज़ देयर, रिफाइंड ऑयल इज़ देयर, पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है या सिंपली ट्रांसफैट लिखा हुआ है, अवॉइड इट कम्प्लीटली। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस फैट्स फॉर योर बॉडी, इवन इफ आपको हार्मोनल इम्बैलेंस भी क्यों ना हो। दूसरा, अगर आपके घर में जो ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, दो चीज़ें उसमें, पहले तो अगर रिफाइंड ऑयल यूज़ हो रहा है तो उसे अवॉइड कर दीजिए। रिफाइंड के बदले कोल्ड प्रेस, अनरिफाइंड वुड प्रेस्ड या कच्ची घानी का तेल जो हम बोलते हैं उसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जब आप रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं उसे रिफाइन करने की प्रोसेस में इतने सारे केमिकल्स यूज़ हो जाते हैं कि जिसकी वजह से हार्मोन आपके इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, तो वो लुक में बहुत अच्छा लगता है बट आपके बॉडी को बहुत बुरा बना देता है, राइट? सो यूज़ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल या कच्ची घानी का तेल जिसे हम कहते हैं। इवन दूसरी चीज़ इसी में कि एक्सेसिव ऑयल का इस्तेमाल ना हो। हम लोग क्या करते हैं, हम सब्ज़ी में ऑयल नहीं डालते हैं, ऑयल में सब्ज़ी डालते हैं। मतलब इतनी, जब आप सब्ज़ी भी देखते हैं ना तो इतनी ऑयली सब्ज़ी होती है ऑलमोस्ट ज़्यादातर घरों में देखा आप जाता है, क्योंकि बचपन से इस तरह से हम खाते हैं, राइट? तो हम भूल जाते हैं कि कितना ऑयल हमें डालना चाहिए। तो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑयल नहीं यूज़ करना है। यस, इसका मतलब ये नहीं कि ऑयल फ्री कुकिंग करना है, नहीं, वो ज़िंदगी भर फॉलो नहीं कर पाएंगे, वंस इन अ वाइल इज़ फाइन, बट यू नो मैंने भी बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कम्प्लीटली बिना ऑयल खाना खाते हैं। इफ़ इट वर्क्स फॉर यू, गो अहेड एंड डू इट, बट मैक्सिमम लोगों के लिए वो वर्क नहीं करेगा। इसीलिए जो सस्टेनेबल है वो प्रैक्टिस कीजिए, एंड दैट इज़ ऑयल यूज़ कीजिए, बट हेल्दी ऑयल यूज़ कीजिए, और वो भी राइट क्वान्टिटी में यूज़ कीजिए। ऑलराइट, नॉट टू मच ऑफ ऑयल। अच्छा, उसी के साथ साथ जो प्रोसेस्ड फैट होता है आपके प्रोसेस्ड खाने में, बाहर के रेस्टोरेंट फूड में जो मिलता है, उसे जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। और आखिरी जो है, दैट इज़ जो फ्रोज़न फूड्स आप देखते हैं कभी कभी मार्केट में, स्पेशली अगर आप आउट ऑफ इंडिया से हैं तो वहाँ पर तो फ्रोज़न फूड का बहुत बड़ा कल्चर है। इवन फ्रोज़न पिज्ज़ा मिलते हैं, फ्रोज़न बर्गर मिलते हैं, और आप माइक्रोवेव में कुक करके डायरेक्टली खा सकते हैं, बहुत इंस्टेंटली बन सके ऐसा खाना मिलता है। जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। इवन बेकरी आइटम्स, केक्स, बिस्किट्स, यू नो पेस्ट्रीज़ वगैरह जो होते हैं, फ्रेंच फ्राइज़, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फैट से भरी हुई होती है। सो ट्राई टू अवॉइड दैट एज मच एज पॉसिबल। ये तो हमने बात की कि क्या अवॉइड करना चाहिए, कौन से फैट को अवॉइड करना। अब लेट्स टॉक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ फैट्स टू ऐड इन योर डाइट। अब सबसे पहला याद रखना है हमें कि ओमेगा 3 इज़ वेरी वेरी असेंशियल जब हार्मोनल बैलेंस की बात आती है। सो ओमेगा 3 के लिए अगर आप नेचुरल फूड सोर्सेज की बात करें तो वेजिटेरियन में ओमेगा 3 बहुत कम चीज़ों में अवेलेबल होता है। अगर नॉन वेजिटेरियन देखें तो फ़िश में मिल जाता है, राइट? बट
अगर वेजिटेरियन में देखें तो वॉलनट्स में से मिल सकता है, फ्लैक्स सीड्स में से मिल सकता है। फ्लैक्स सीड्स बहुत अच्छा सोर्स होता है फाइटो एस्ट्रोजन का, कि जो मिमिक करता है एस्ट्रोजन के साथ, और इसीलिए वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है, उसे बैलेंस करने में हेल्प करता है। सो फ्लैक्स सीड्स हर रोज़ अगर आप 1-2 टेबलस्पून ले सके, या तो उसे ग्राउंड फॉर्म में रोस्ट करके, या तो रोस्ट करके ऐसे ही मुखवास के रूप में कभी खा लिया, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू, करिए ट्राई, मज़ा आएगा। बिकॉज इवेंचुअली जब आप कुछ समय तक लेंगे फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज, जब आप वो लेंगे तो आपके बॉडी में कुछ कुछ बदलाव आप नोटिस करेंगे, सिर्फ ये छोटा सा चेंज करने की वजह से भी। उसके अंदर बहुत अच्छा ओमेगा 3 होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, इवन जो यूज्ड हॉर्मोन्स है उसको क्लियर करने में, डिटॉक्सिफाई करने में बहुत हेल्प करता है। जो फ्लैक्स सीड्स है, अगेन इट इज़ अ सोर्स ऑफ प्रीबायोटिक, उसके अंदर काफ़ी अच्छा सॉल्युबल फाइबर होता है, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर योर गट, और गट अच्छा होगा तो हार्मोन भी अच्छे होने वाले हैं। उसके अलावा आप सोक्ड आमंड्स, सोक्ड वॉलनट्स ले सकते हैं, 5-7 बादाम, 1-2 अखरोट जैसी चीज़ें सुबह लेट्स से ब्रेकफास्ट में ले लिया, या कभी स्नैक टाइम है उसमें ले लिया, वंडरफुल थिंग फॉर योर हार्मोन्स। अगर आपको सूट करता है ज़रूर लीजिए। तीसरा, सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, मस्कमेलन सीड्स, चिया सीड्स, इस तरह के अलग अलग मिक्स सीड्स ले सकते हैं, अलग अलग दिनों पर अलग अलग 2 टेबलस्पून जितने सीड्स आप ले सकते हैं। चौथा है कोकोनट ऑयल, उसके अंदर होता है MCT, मीडियम चेन ट्राइग्लाइसराइड, की जो अगेन इज़ एन असेंशियल थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर हार्मोन्स, वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है आपके हार्मोन्स के लिए। सो कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। किस तरह से ले सकते हैं, मे बी कुकिंग में कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोल्ड प्रेस्ड, या तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो सुबह जब उठते हैं तो 1-2 चम्मच कोकोनट ऑयल से दिन की शुरुआत करते हैं, फैट फर्स्ट जिससे कहा जाता है कंसेप्ट को, अ लॉट ऑफ पीपल प्रमोट दैट, अगर वो आपके लिए वर्क करता है ट्राई। आप हमेशा बायो इंडिविजुअलिटी को ध्यान रखिएगा, यानी कि एवरीबडी इज़ यूनिक, हर इंसान अलग होता है, तो आपको ये देखना आपके लिए क्या सूट कर रहा है। आई एम शेयरिंग सो मैनी इन्फॉर्मेशन, बट आपको ये देखना है कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा वर्क करता है, ट्राई दैट एंड देन बिलीव इट। ओके, आपका बॉडी सबसे ऊपर है, सभी से ऊपर है, कोई थियरी, कोई भी प्रूफ या कोई भी डेटा पीछे है, आपका बॉडी आगे है। सो वॉट एवर योर बॉडी टेल्स यू इज़ राइट, और इसीलिए हमेशा सारी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कीजिए और देखिए आपका बॉडी क्या कहता है, क्या रिजल्ट मिलता है उससे। उसी के साथ साथ एवोकाडो इज़ अ गुड सोर्स ऑफ हेल्दी फैट, वेरी वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर ईजिली अवेलेबल है आपके लोकल, आपके एरिया में लोकली मिल जाता है, अगर ईजिली मिल जाता है ज़रूर लीजिए, एवोकाडो इज़ अमेजिंग। अगर आप नहीं जानते एवोकाडो क्या है तो वो आपके लिए नहीं है, डोंट वरी, आउट ऑफ इंडिया तो बहुत ईजिली मिल जाता है, इवन इंडिया में अभी बहुत आसानी से मेजर सिटीज़ में मिल रहा है। उसी के साथ साथ इवन बीन्स आप ले सकते हैं, राजमा चना छोले जैसी चीज़ें, और लेंटिल्स, अलग अलग किस्म की दालें, दैट इज ऑल्सो गुड, अच्छा फाइबर होता है उसके अंदर, और इसीलिए इट हेल्प्स यू इम्प्रूव योर हार्मोनल हेल्थ। नाउ कम्स द सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप, और वो है आपके हर मील में प्रोटीन को ऐड करना। लेट मी टेल यू, प्रोटीन आपके हार्मोनल बैलेंस को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि उसका मैं लॉजिकल रीजन आपको देती हूँ। देखिए, पहले तो प्रोटीन आपको असेंशियल अमाइनो एसिड देता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी, असेंशियल ही है वो, राइट, ज़रूरी है। इवन वो जो प्रोटीन डिराइव्ड हार्मोन्स होते हैं, जिसे पेप्टाइड हार्मोन कहा जाता है, उसके लिए भी ज़रूरी है। वो आपके हंगर हार्मोन जो ग्रेलिन है, प्रोटीन उसे कम करता है, यानी कि आपको जो भूख बार बार लगने का अगर प्रॉब्लम है, प्रोटीन असेंशली जितना ज़रूरी है उतना जब आप लेंगे तब जाके हंगर हार्मोन कम होता है, और जो फुलनेस हार्मोन्स है जिसमें से पेप्टाइड YY जिसे PYY कहा जाता है, या ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 GLP-1 जिसे कहा जाता है, यह फुलनेस हार्मोन्स उसे वो बढ़ाता है। अब ये सारे नाम अगर याद ना रहे, डोंट वरी अबाउट इट, राइट, सिर्फ इतना याद रखिए कि जब आप प्रोटीन लेते हैं ना तो आपको भूख कम लगती है, या क्रेविंग जो बार बार होते रहता है वो नहीं होगा, क्योंकि जब हम क्रेव करते हैं हम गलत खाना खाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट ज़रूरी थे वो नहीं गए, और जो अनहेल्दी चीज़ें हैं वो गई, जिसकी वजह से हार्मोन इम्बैलेंस हुआ, राइट। तो जब आप प्रोटीन लेते हैं ये सारी चीज़ें नहीं होगी, जिसकी वजह से हार्मोन जो इम्बैलेंस होने वाला था वो नहीं होगा। और इवन एक स्टडी हुआ था, 156 लोगों के साथ 3 महीने का स्टडी हुआ था, उसमें उनको हाई प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट दिया गया, और ये देखा कि उनके अंदर वेट लॉस इजीली हुआ था। क्यों हुआ?
क्योंकि ये जो फुलनेस हार्मोन की हमने बात की GLP-1 और PYY दोनों बढ़े थे, उनकी उनका जो सटाइटी लेवल है वो बढ़ा था, खाने के बाद क्रेविंग नहीं होता था, जिसकी वजह से उनका वेट लॉस हुआ, राइट। तो ये प्रोटीन इतना ज़रूरी है, दैट इज़ वाई इट इज़ रिकमेंडेड कि आप हर मील में एटलीस्ट अराउंड 20 to even 30 ग्राम, ऑफकोर्स डिपेंड करता है आपका आपका वेट कितना है, एज, लाइफस्टाइल क्या है, सभी के ऊपर डिपेंड करेगा, बट अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 ग्राम प्रोटीन इन एवरी मील इज़ रिकमेंडेड। और अगर आप उतना कर पाते हैं तो आप देखेंगे सिर्फ प्रोटीन की वजह से भी, आई हैव सीन इन माय क्लाइंट्स कि सिर्फ प्रोटीन इनटेक उनका इम्प्रूव हो जाता है ना, जिसकी वजह से उनका पूरा बॉडी जो है वो धीरे धीरे बैलेंस में आना शुरू कर देता है। दैट इज़ वाई RHN राइट ह्यूमन न्यूट्रिशन में मैंने प्रोटीन शेक इसीलिए लॉन्च किया था कि मैं इतने सालों से जब ले रही थी, आई हैड सीन द रिजल्ट इन माई बॉडी एंड द पीपल अराउंड मी, तो मैंने शुरू किया उसको लेकर, बहुत सारा रिसर्च किया, स्टार्टेड मेकिंग द राइट काइंड ऑफ प्रोटीन जिसके अंदर हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हो, अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स ना हो। अच्छा, उसी के साथ साथ तीसरा इंपॉर्टेंट टिप, और वो है एक्सेस फैट को अपने बॉडी से कम कीजिए। आई नो आप कोई भी वीडियो देखेंगे, दुनिया के कोई भी वीडियो देखेंगे और कोई भी हेल्थ चैलेंज देखेंगे, उसमें शायद पाएंगे कि आपको बताया जाएगा एक्सेस फैट को कम कीजिए, क्योंकि आपका बॉडी बना ही नहीं है इतना ज़्यादा फैट को कैरी करने के लिए। और जब ज़रूरत से ज़्यादा फैट होता है, बॉडी इम्बैलेंस होता है, तब जाके आपका एंडोक्राइन सिस्टम भी इम्बैलेंस होगा, हार्मोन इम्बैलेंस होगा। और ऐसा पाया गया है कि जो ओबेसिटी है यानी कि मोटापा, ये जुड़ा हुआ है इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ और इनफर्टिलिटी के साथ। जब वजन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता है, आपने देखा है प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, कंसीव नहीं कर पाते हैं, राइट, स्पर्म की क्वालिटी बिगड़ जाती है, देर आर सो मैनी इश्यूज़ रिलेटेड विद जस्ट ओबेसिटी। तो जब वो इंसान वज़न कम करता है सही तरीके से, ऑटोमेटिकली उसका फर्टिलिटी भी धीरे धीरे इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो था वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है, हाइपोगोनाडिज्म ये बढ़ना शुरू हो जाता है जब एक्सेस फैट है बॉडी में। हाइपोगोनाडिज्म क्या है? इट इज़ द एब्सेंस और रिडक्शन ऑफ सर्टन हार्मोन्स के जो आपके टेस्टिस और ओवरीज में प्रोड्यूस होते हैं। टेस्टिस और ओवरीज में जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होने चाहिए, या तो वो बंद प्रोड्यूस नहीं होते हैं, या तो बहुत कम प्रोड्यूस होते हैं जब ज़रूरत से ज़्यादा वजन होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लूज फैट। चौथी जो टिप है, दैट इज़ रेगुलर एक्सरसाइज एंड मूवमेंट। अब जब एक्सरसाइज की बात आती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं 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 मैं तो बहुत एक्सरसाइज करती हूँ करता हूँ, है ना। पर पहला पॉइंट याद जो रखना है, दैट इज़ मॉडरेट एक्सरसाइज, बैलेंस में मूवमेंट करना है, ज़रूरत से ज़्यादा। टू मच ऑफ एक्सरसाइज इज़ ऑल्सो बैड। जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, ज़रूरत से भी ज़्यादा एक्सरसाइज कुछ लोग करते हैं, दो दो तीन तीन घंटा जिम में जाते हैं या दो दो घंटे तक रनिंग करते हैं, अगर इतना एक्सेसिव आप कार्डियो या कोई भी किस्म का वर्कआउट करते हैं ज़रूरत से ज़्यादा लंबे समय तक, तो वो आपके हार्मोन का इम्बैलेंस करेगा, क्योंकि वो एक स्ट्रेस की तरह काम करता है। इट पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योर बॉडी, योर माइंड, ओवरऑल सिस्टम्स, और इसीलिए सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाते हैं। अब इमेजिन कीजिए ना कि आपके सिर के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा भार रखा जाए लंबे समय तक, तो क्या होगा, ब्रेकडाउन हो जाएंगे ना। तो टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, इंक्लूडिंग एक्सरसाइज। तो पहले तो मॉडरेशन में करना है, पर मॉडरेशन में भी नहीं कर रहे और बैठे रहते हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, बिकॉज द बॉडी इज़ नॉट मेड टू जस्ट सिट फॉर अ लॉन्ग 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 टाइम, राइट। बीच बीच में मूवमेंट ज़रूरी है और एक्सरसाइज ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पहले तो वो ब्लड फ्लो इम्प्रूव करता है। आपके बॉडी का ब्लड फ्लो जब इम्प्रूव होगा तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, डिलीवरी सब कुछ इम्प्रूव हो जाता है, और जो हार्मोन सिग्नलिंग होते रहता है आपके बॉडी में वो इम्प्रूव हो जाएगा, जिसकी वजह से जो बहरा हो चुका था सेल, हार्मोन को सुन नहीं रहा था, रेजिस्टेंट इन अ वे हो चुका था, वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है जस्ट विथ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की वजह से इवन आपका इंसुलिन का यूजेज इम्प्रूव हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस तब क्रिएट होता है जब आपका बॉडी कॉन्स्टेंटली इतना सारा इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है ना, बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ ग्लूकोज, कि वो सुनना बंद कर देता है, आपका सेल सुनना ही बंद कर देता है इंसुलिन की। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसने उस ग्लूकोज का इस्तेमाल ही नहीं किया जो पहले उसने खाया और उसका ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। तो वो जो ग्लूकोज है वो क्योंकि बैठा रहा तो वो स्टोर हुआ, अब नया ग्लूकोज आ रहा है, नया इंसुलिन आ रहा है, और बॉडी जो है पुराने का अभी तो उसने कुछ किया नहीं है इस्तेमाल, और तब जाके नया आया, राइट। और जब आपका बॉडी एक्सरसाइज करता है तो इस इंसुलिन का यूज बहुत अच्छे से हो सकता है। दैट इज वाई पीपल हु एक्सरसाइज, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, इंसुलिन
रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। और एक्सरसाइज से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप यंग रहना चाहते हैं, बुढ़ापे को टाटा बाय बाय कहना चाहते हैं, तो ये सुनिए आपके लिए है, एक्सरसाइज इज़ द मोस्ट पावरफुल एंटी एजिंग ड्रग। यू नो वाई? बिकॉज वो जो मसल बूस्टिंग हॉर्मोन्स है, याद रखिए, अगर आप जवान रहना चाहते हैं तो आप अपने बस मसल को मेंटेन रखिए, ओके? एक सर्टन उम्र के बाद कैटाबॉलिज्म ऑन हो जाता है, कैटाबॉलिज्म में मसल ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं, फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, तो एजिंग आना शुरू हो जाता है, आपका पूरा बॉडी चेंज होना शुरू हो जाता है, राइट? जो जवानी थी पहले, जो चेहरा एकदम अच्छा लगता था, वो अभी थोड़ा डल होना शुरू हो जाता है बिकॉज मसल ड्रॉप होते हैं। तो क्या करना है, आपको मसल को मेंटेन करना है, और मसल बूस्टिंग हॉर्मोन्स जो है, वैसे तीन हॉर्मोन को इम्प्रूव कर देता है एक्सरसाइज, बढ़ा देता है। कौन से? टेस्टोस्टेरॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम देखते हैं हॉर्मोनल इम्बैलेंस में लो लिबिडो इज ऑल्सो मेजर मेजर रीजन, राइट? मतलब कि सेक्सुअल ड्राइव ना होना, सेक्सुअल डिजायर ना होना, विच इज नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज नेचुरली होना चाहिए, और अगर वो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स बॉडी में कुछ गड़बड़ चल रही है। उसी के साथ साथ DHEA, यूथ हार्मोन जिसे कहा जाता है, और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH, ये तीनों हार्मोन जो मसल बूस्टिंग हार्मोन जिसे कहा जाता है, उसे वो और ज़्यादा एनहांस करता है, मसल मेंटेनिंग हार्मोन बेसिकली कहा जाता है, मसल मेंटेनिंग हार्मोन इसे वो बूस्ट करता है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रेगुलरली बी एक्टिव, एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में क्या क्या कर सकते हैं आप? अब ज़रूर कार्डियो कर सकते हैं, अलग अलग किस्म का जो आपको अच्छा लगे, एरोबिक, ज़ुम्बा, यू नो, या कोई भी किस्म का वर्कआउट, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, एनीथिंग दैट यू लाइक। वेट ट्रेनिंग भी कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेट ट्रेनिंग अपने रूटीन में ऐड कर दीजिए, और साथ में 3 days a week इज़ आइडियल फॉर वेट ट्रेनिंग। और लेट्स से कि आप कुछ नहीं करते हैं अभी, एटलीस्ट स्टार्ट विथ वॉकिंग, राइट? स्टार्ट विथ वॉकिंग, आई प्ले यू नो प्लेस अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑन वॉकिंग, बिकॉज सिर्फ चलने की वजह से भी बहुत सारे बॉडी के इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं, हम चलते ही नहीं, हम बैठे रहते हैं, तो एटलीस्ट जस्ट स्टार्ट वॉकिंग। सो दिस वॉज टिप नंबर 4। अब आता है नेक्स्ट टिप, एंड दैट इज अबाउट शुगर इनटेक। जो लोग एक्सेसिव शुगर लेते हैं उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, उनका गट माइक्रोबायोम जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिसे गट डिसबायोसिस कहते हैं, और जो लेप्टिन रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाता है। इसीलिए क्या करें कि आपका शुगर इनटेक अभी कितना हो रहा है, बी अवेयर एंड सी कि उसे कितना कट डाउन आप कर सकते हैं, और पूरे दिन में आप यू नो इवन हिडन शुगर जो ले रहे हैं उसे जितना आप कम कर सके, बी कॉन्शियस ऑफ दैट एंड ट्राई टू रिड्यूस योर अनहेल्दी शुगर इनटेक। छठा जो टिप है, दैट इज टेकिंग केयर ऑफ योर गट हेल्थ। अब गट हेल्थ की बात आती है तो याद रखिए फाइबर, फाइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, जब क्यों गट और हार्मोन कनेक्टेड है, जब आप फाइबर खाते हैं तो आपका गट हेल्थ जब उसे फर्मेंट करेगा तो शॉर्ट चेन फैटी एसिड SCFA प्रोड्यूस होने वाला है। अब ये जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड है, जैसे कि ब्यूटरेट हो सकता है, एसिटेट हो सकता है, ये क्या करेगा, आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करेगा और आपके कैलोरी बर्निंग को इम्प्रूव कर देगा, जिसकी वजह से आपका वेट रिडक्शन होने वाला है, यानी कि आपको एक्सेस फैट जो है कम करने में हेल्प करेगा। इवन ये जो एसिटेट और ब्यूटरेट है, ये आपके ओवरऑल फुलनेस को इम्प्रूव करने में, जो हमने अभी देखा पेप्टाइड YY और ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 GLP-1 इसे भी इम्प्रूव करता है, इंक्रीज करता है। आपका गट हेल्थ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर इन्फ्लेमेशन एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस बोथ। तो जो इंसान ओबीज होता है उसमें देखा गया है कि उसका बॉडी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन में होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ा हुआ होता है, और इसीलिए उनमें एक LPS लिपोपॉलीसैकेराइड नाम का एक सर्टन हार्मोन, सर्टन बैक्टीरिया होते हैं LPS कि जो ओबेसिटी वाले लोगों में पाया जाता है, जिनके अंदर ओबेसिटी है उनमें पाया जाता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल समटाइम्स फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, जस्ट टेकिंग केयर ऑफ योर गट हेल्थ कैन टेक केयर ऑफ योर हॉर्मोन्स। जब आप गट का ख्याल रखते हैं तो आप अपने हॉर्मोन का भी ख्याल रखते हैं। तो गट हेल्थ का ख्याल कैसे रखें, पहला मैंने जैसे कहा फाइबर इनफ लीजिए, पूरे दिन में हर एक मील में फाइबर हो वो देखिएगा, फाइबर किस में होता है या गट को कैसे ओवरऑल इम्प्रूव कर सकते हैं। हैव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स लीजिए, लेंटल्स एंड पल्सेस लीजिए, और साथ में इवन आप जो प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स है,
प्रोबायोटिक यानी ज़्यादातर फाइबर जो आपको मिल जाते हैं सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल वो ज़रूर लीजिए सो दैट योर गट माइक्रोबायोम इज़ हैप्पी. इफ दैट इज़ हैप्पी योर हॉर्मोन्स आर गोइंग टू बी हैप्पी. उसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट टिप एंड दैट इज़ अबाउट स्ट्रेस. हाँ ये तो आना ही था. आज मैं इतने सारे जब केसेस देख रही हूँ जहाँ पर लोग अपने फर्टिलिटी के इश्यू को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं. यू नो यू माइट हैव सीन सो मैनी पीपल सो मैनी फीमेल्स और कपल्स आर सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी और यू नो कंसीव नहीं कर पाते हैं वगैरह वगैरह जो भी इश्यू हो रहे हैं जो एक्चुअली नेचुरल है जो जिसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बट अगर वो हो रहा है दैट इज़ मेजरली 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 अगर मैं कहूँ तो इट इज़ मेनली 80% 70% बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस प्लेज अ मेजर मेजर रोल राइट. वो प्रोसेस एक्चुअली यू नो स्मूथ होनी चाहिए. इट शुड बी स्ट्रेस फ्री प्रोसेस बट उसे हमने इतना स्ट्रेसफुल बना दिया है और इसीलिए आज कहीं ना कहीं फर्टिलिटी के इश्यू हार्मोनल इश्यूज़ बढ़ चुके हैं. सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ आर स्ट्रेस. हम जानते हैं कि वो बुरा है. स्ट्रेस इज़ गुड बट टू मच ऑफ स्ट्रेस क्रॉनिक स्ट्रेस इज़ बैड राइट. हम शायद एक और पॉडकास्ट करेंगे कभी स्ट्रेस के ऊपर बट राइट नाउ जो भी स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक्स है मेडिटेशन हुआ यू नो मेरे फिट भारत चैनल के ऊपर आप देखिए यूट्यूब के ऊपर कुछ मेडिटेशन भी है ट्राई कीजिए. यू कैन जस्ट राइट 15 मिनट मेडिटेशन फॉर स्ट्रेस रिलीफ और बहुत ब्यूटीफुल एक मेडिटेशन हिंदी में मैंने दिया हुआ है. यू कैन ट्राई दैट या उसके अलावा जो मेडिटेशन आपके लिए वर्क करे जस्ट ट्राई एंड फॉलो दैट. ब्रीदिंग कर सकते हैं अलग अलग टेक्निक प्राणायाम कर सकते हैं राइट. मैंने लास्ट टू लास्ट या आई थिंक लास्ट पॉडकास्ट जो मेरा था वो सिर्फ ब्रीदिंग के ऊपर ही था. सो उसमें डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग क्या होता है वो मैंने बताया था. तो लिसन टू दैट सो दैट आपका रूटीन में जो ब्रीदिंग है वो भी नॉर्मल हो जाए. तो वो अगर डायफ्रेगमेटिक या बेली ब्रीदिंग होगा डीप ब्रीदिंग होगा तो भी आपका स्ट्रेस काफ़ी हद तक जाएगा जो अनकॉन्शियसली आज गलत है. या स्पा मसाज जैसी चीज़ें म्यूज़िक को सुनना रिलैक्सिंग म्यूज़िक. हाँ अरिजीत सिंह का दुखी वाला गाना मैं नहीं बोल रही हूँ और सुन रहा है ना तू रो रहा हूँ मैं वाला गाना नहीं बोल रही हूँ बट आई एम टॉकिंग अबाउट सम रिलैक्सिंग म्यूज़िक समथिंग दैट यू रियली रियली लाइक. आपकी कोई हॉबीज़ है ओके यू नो आपको जो खुश रखता है ऐसी कोई चीज़ों को फॉलो कीजिए सो दैट यू आर रिलैक्स्ड प्लेइंग विथ अ किड प्लेइंग विथ अ पेट गोइंग आउट इन द नेचर टेकिंग द सनलाइट वॉचिंग द मून लाइट वॉचिंग द स्टार्स. देर आर सो मैनी थिंग्स. आप जो सिर्फ बाहर जाएंगे बंद कमरे के बाहर जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी कि जो आपको रिलैक्स करेगा बिकॉज नेचर इज सपोज टू मेक यू रिलैक्स्ड बट हम नेचर के अगेंस्ट है. तो बस नेचर में जाइए एंड बी रिलैक्स्ड. आठवीं और आखिरी जो टिप है इज अबाउट स्लीपिंग वेल. जब आप अच्छे से नहीं सोते हैं स्लीप डिप्राइवेशन की वजह से आपके बहुत सारे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं इंक्लूडिंग योर ग्रेलिन लेप्टिन इंसुलिन कॉर्टिसोल टेस्टोस्टेरॉन ग्रोथ हार्मोन वगैरह वगैरह बहुत सारे इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं. जब आप यू नो एक स्टडी हुआ था सिर्फ 14 लोगों के साथ उन्होंने पाया कि जब सिर्फ 5 रात भी वो नहीं सोए थे अच्छे से यानी 5 नाइट्स ऑफ स्लीप डिप्राइवेशन आप बोल सकते हैं उसका इफ़ेक्ट इतना आया कि इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो डिक्रीज हो चुकी थी बाय 25%. कैन यू इमेजिन दैट इज़ अ लॉट. और ये सारे जो 14 लोग थे वो हेल्दी इंडिविजुअल्स थे. अगर उसमें ये इफ़ेक्ट आ सकता है तो इमेजिन कीजिए कि जो ऑलरेडी अनहेल्दी है उसके अंदर तो क्या इफ़ेक्ट आएगा. और वो भी काफ़ी सारी रातों तक वो अच्छे से अगर नहीं सोते हैं तो दिस इज़ द रिज़ल्ट दे आर गोइंग टू सी. आपका जो स्लीप स्टेज है ओके अलग अलग स्लीप साइकिल होती है 4 से 5 अलग अलग स्लीप साइकिल. वो स्लीप साइकिल पूरी ख़त्म होना ज़रूरी है पूरे दिन पूरी रात के दौरान पूरी नींद के दौरान बट वो नहीं होती है जब हम अच्छे से नहीं सोते हैं. आपका जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है वो ड्यूरिंग योर डीप स्लीप रिलीज होता है और जब आप डीप स्लीप लेते ही नहीं है तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ऑप्टिमली प्रोड्यूस नहीं होगा जिसकी वजह से आपके हार्मोन इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं. सो आइडियली 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ रिकमेंडेड. अलग अलग बॉडी में अलग अलग नंबर वर्क करेगा बट मोर देन द नंबर इट इज़ अबाउट द क्वालिटी. आप कैसा फील करते हैं सुबह उठने के बाद क्या स्लगिश फील करते हैं क्या एनर्जेटिक फील करते हैं थ्रू आउट द डे क्या फील करते हैं ये मैटर करेगा. सो स्लीपिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट ये जो हमने 8 पॉइंट देखे उसके साथ साथ इवन हार्मोन को बैलेंस करने के लिए यू कैन टेक हेल्प ऑफ सप्लीमेंट जैसे ओमेगा 3 है राइट. सप्लीमेंट के फॉर्म में भी लिया जा सकता है या उसके अलावा भी हाईली रेकमेंड कि RHN में आई मेड समथिंग कॉल वाइटलिटी फॉर मैन एंड वुमेन बोथ. अब मैन एंड वुमेन दोनों के लिए अलग अलग बहुत इंपॉर्टेंट कुछ हर्ब्स है कि जो आपके बॉडी में मैजिकली
वर्क कर सकते हैं फॉर योर हॉर्मोन्स। जैसे कि मेल्स के लिए शीला जीत इज वंडरफुल, जिनसेंग हो सकता है, या अश्वगंधा, पाइपरीन, फेनुग्रीक के एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, या सफ़ेद म्यूसली जैसी चीज़ें। फीमेल्स के लिए माका रूट एक्सट्रैक्ट इज आउटस्टैंडिंग, इवन फॉर फर्टिलिटी इट इज़ अमेजिंग। बहुत ज़्यादा लोग रेकमेंड करते हैं माका रूट एक्सट्रैक्ट फर्टिलिटी के इश्यू को लेकर, या उसके साथ साथ मिल्क थिसल हो सकता है। इनोसिटॉल इज पावरफुल, इट इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल, या शतावरी हो सकता है। अब ये अलग अलग जो चीज़ें मैंने बताई मेल और फीमेल के लिए, वाइटलिटी वो मैंने आरएचएन में इसीलिए लॉन्च किया था बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वर अप्रोचिंग मी रिगार्डिंग देयर हार्मोन रिलेटेड इश्यू, और या मैं कहूँ लो लिबिडो रहता था, या उनके फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यू आते थे। तो ये सारे हर्ब्स हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं आपके हार्मोन को बैलेंस करने के लिए, फर्टिलिटी को वापस से लाने के लिए। सो आई हाईली रिकमेंड, अगर आप उसे चेक करना चाहते हैं, यू कैन गो टू rhnfit.com/vitality rhnfit.com/vitality। और अभी मैं आपको जो नीचे कोड आप देख रहे हैं लिखा हुआ, वो कोड जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलने वाला है। सो यू कैन जस्ट यूज़ दैट कोड एंड यूज़ द डिस्काउंट, टेक बेनिफिट ऑफ द डिस्काउंट। बट मैं चाहती हूँ कि आप अभी जो मैंने टिप्स बताई हैं, 8 सिंपल सी टिप्स, आई होप कि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आई होप कि ये सारी चीज़ें ऐसी है कि जो आप अपने रूटीन में इजीली अपना सकेंगे। मुझे ज़रूर नीचे कमेंट में बताइएगा आपको ये वीडियो, ये पॉडकास्ट कैसा लगा, ये ऑडियो स्पॉटिफाई में अगर आप सुन रहे हैं कैसा लगा, आई वुड लव टू नो। मे बी मैसेज आर टीम और मैसेज हियर, अगर आप यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये सारी अलग अलग सीरीज़ को लेकर जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब आप फीडबैक देते हैं, इट रियली मोटिवेट्स मी एंड माय होल टीम की जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ज़रूर बताते रहिएगा कि आप कौन कौन से टॉपिक्स और जानना चाहेंगे, क्योंकि आप जो हमें बताते हैं उसी के ऊपर मैं पॉडकास्ट लेकर आती हूँ, टॉपिक उसी को मैं इम्पॉर्टेंस देती हूँ। और फिर से याद करवा दूं, अगर अब तक आपने फिट भारत मिशन को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब के ऊपर, अभी कर दीजिएगा। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, अगर स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं तो मेक श्योर कि आप सबको बताएं स्पॉटिफाई के बारे में। होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई इज़ द नेम, एंड यू कैन लिसन टू इट, मे बी आप जब गाड़ी चला रहे हैं, या आप ड्राइव कर रहे हैं, या गाड़ी में बैठे हैं, या बस में ट्रैवल कर रहे हैं, या कुछ नहीं कर रहे हैं, या किचन में खाना पका रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग समय होते हैं जहाँ पर हमारे पास मौका है कुछ ना कुछ सीखने का। लेट्स लर्न, लेट्स एम्पावर आर सेल्फ, बिकॉज रिमेंबर, अगर हेल्थ है तो सब है। मैं जल्द ही मिलती हूँ होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई के नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।